पेरेंट्स, वेलकम टू आर्किस्टिक। आज हम देखेंगे एलकेजी के बच्चों की हिंदी वर्कशीट। इस वीडियो में हम देखेंगे एलकेजी के बच्चों को किस तरह से हमें हिंदी पढ़ानी चाहिए, किस तरह की वर्कशीट उन्हें बनाकर देनी चाहिए और कैसे उन्हें उन अक्षरों की पहचान करवाना सिखाना चाहिए। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। नर्सरी में बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट में स्वर इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं ओरली, बट एलकेजी में उन्हें ओरल के साथ साथ उन स्वरों को लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है। ये बुक है मेरे पास हिंदी सब्जेक्ट के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो हिंदी वर्णमाला 1, और ये नवनीत पब्लिकेशन की बुक है। इसके थ्रू आप बच्चों की प्रैक्टिस घर पे ले सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसमें अ से अनार पिक्चर के थ्रू दिया हुआ है और साथ ही साथ उसे कैसे लिखना है उसके स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अ लिखना है तो हाफ कर, उसे जोड़ के ही अगेन हाफ कर, बीच में से स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, बन गया अ। इस तरह से बच्चों को स्टेप बाय स्टेप इस बुक में सिखाया हुआ है। और साथ ही साथ उन्हें अक्षरों को ट्रेस करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आ, आ से आम में अक्षरों को ट्रेस करना है। आ की मात्रा यहाँ पे लगेगी तो आ, आ से आम। पिक्चर यहाँ पे भी दिया हुआ है और लास्ट में उन्हें कलर भी फील करना है। उसके बाद उन्हें व्यंजन भी इसी तरह से सिखाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो गमला, ग से गमला, घ से घर, व्यंजन की भी प्रैक्टिस उन्हें इसी तरह से ली जाती है। उसके बाद नीचे एक्टिविटी दी हुई है, बच्चों को पिक्चर दिया हुआ है और कलर करना है। जैसे कि यहाँ पे अनार है, अनार का कलर कौन सा होता है? लाल कलर, तो यहाँ पे लाल कलर फील करना है। और यहाँ पे अ दिया हुआ है, उसमें भी कलर फील करना है, जो बच्चे को पसंद है वो कर सकते हैं। इस तरह से आप बच्चों की प्रैक्टिस घर पे भी ले सकते हैं इस बुक के थ्रू। अब हम देखते हैं कुछ वर्कशीट्स। ये है फर्स्ट वर्कशीट। इसमें पहला क्वेश्चन है सही अक्षर पे गोला लगाओ। यहाँ पे कुछ मैंने पिक्चर्स दिए हुए हैं और इन बॉक्स में कुछ अक्षर है, तो बच्चे को पिक्चर देख के अक्षर को गोल करना है। जैसे कि यहाँ पे अनार का पिक्चर है तो अ से अनार, तो अ को यहाँ पे गोल करेंगे। यहाँ पे है इमली, ई से इमली, तो बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे मैंने दो ई लिखी हुई है, तो कौन सी ई है वो बच्चे को देखना है। जैसे कि ई, ई से इमली, तो पहली वाली ई है। छतरी, छ से छतरी। तलवार, त से तलवार। इस तरह से हम बच्चों की प्रैक्टिस लेंगे तो बच्चे यहाँ पे पिक्चर आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और साथ ही साथ वो पिक्चर किस अक्षर से स्टार्ट होता है वो भी उन्हें पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही अक्षर से जोड़ियाँ लगाओ। यहाँ पे कुछ अक्षर दिए हुए हैं मैंने, तो सही अक्षर को एक दूसरे के साथ मैच करना है। जैसे कि आ, आ से आम, ई, ई से ईक, ऊ, ऊ से उल्लू, ओ, ओ से ओखली, ऊ, ऊ से ऊन, ए, ए से एडी। इस तरह से बच्चे बोल के लिखेंगे तो उनको अक्षर ज्यादा याद रहेंगे। यह है सेकंड वर्कशीट। इसमें क्वेश्चन है खाली स्थान में सही वर्ण भरो। यहाँ पे मैंने स्वर दिए हुए हैं और इसमें कुछ अक्षर मिसिंग है, तो बच्चों को वो फील करना है। जैसे कि यहाँ पे अ, अ से अनार, अ आएगा, आ, आ से आम, ई से इमली। इस तरह से बच्चों को आहा तक फील करना है और साथ ही साथ बोल के करेंगे तो उनको स्वर भी ज्यादा याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फी के अक्षरों को गाढ़ा करो। यहाँ पे मैंने अक्षर दिए हुए हैं, बच्चों को वो ट्रेस करना है। तो ट्रेसिंग से क्या होगा कि बच्चों की हैंड राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हिंदी के स्वर जो होते हैं या हिंदी के अक्षर जो होते हैं वो ज़्यादा कर्व वाले होते हैं, इसलिए जितना वो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी उनकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान में सही वर्ण भरो। यहाँ पे मैंने स्वर दिए हुए थे और यहाँ पे मैंने व्यंजन दिए हुए हैं और कुछ व्यंजन मिसिंग किए हुए, तो बच्चों को वो भरने हैं। जैसे कि यहाँ पे क, क से कमल, ख, ख से खरगोश, ग, ग से गमला, घ, घ से घर। इस तरह से उन्हें पूरी वर्णमाला की प्रैक्टिस करवा सकते हैं हम। यह है थर्ड वर्कशीट। इसमें पहला क्वेश्चन है स्वर और व्यंजन को छाट कर अलग करो और उन्हें क्रम से लगाओ। यहाँ पे मैंने कुछ स्वर और व्यंजन दिए हुए हैं, बच्चों को वो आइडेंटिफाई करना है और उन्हें सही क्रम से लगाना है। लेकिन स्टार्टिंग में जब बच्चे सीखते हैं तो अगर उन्हें क्रम नहीं आता है, उसका सीक्वेंस नहीं आता है, तो सिर्फ हम उन्हें स्वर और व्यंजन अलग अलग करके लिखने को बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला कॉलम है स्वर, तो यहाँ पे ई, ई स्वर है, तो ई यहाँ पे आएगा, क, क है व्यंजन, तो क यहाँ पे आएगा, थ, थ है व्यंजन, तो ये व्यंजन केस में जाएगा। इस तरह से बच्चों को आप स्वर और व्यंजन अलग अलग करने को बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र देखकर सही अक्षर लिखो। यहाँ पे मैंने चित्र ड्रॉ किए हैं, बच्चों को वो चित्र कौन से अक्षर से स्टार्ट होता है वो उन्हें लिखना है। जैसे यहाँ पे शरबत, श से शरबत, श, घ, घ से घर, गमला, घ से गमला।
इस तरह से वो बोल बोल के लिखेंगे तो क्या होगा कि बच्चों को हिंदी वर्णमाला अच्छे से आ जाएगी और प्रैक्टिस के थ्रू बच्चे को वर्णमाला भी लिखना और पढ़ना दोनों आ जाएगा। यह है लास्ट वर्कशीट, इसमें क्वेश्चन है रंग भरो। यहाँ पे मैंने कुछ अक्षर दिए हुए हैं, बच्चों को कलर फिल करना है। बच्चों को वैसे भी कलरिंग बहुत पसंद होती है, इसलिए ये एक्टिविटी उन्हें बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सही अक्षर को देख के नीचे रेखा खींचो। यहाँ पे मैंने अक्षर दिए हुए हैं और इस लाइन में बच्चों को यह अक्षर कहाँ पे है वह देखना है और उसे लाइन ड्रॉ करनी है नीचे। तो से तलवार, तो यहाँ पे त है तो इसके नीचे लाइन ड्रॉ करेंगे। द द से दवात, ढ ढ से ढक्कन, ज ज से जग। इस तरह से हम स्वर और व्यंजन दोनों की प्रैक्टिस ले सकते हैं। आज हमने इस वीडियो में देखा LKG की हिंदी वर्कशीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।